हम आ चुके हैं इस फोर्ट पर जो कि हमने आपको उस फोर्ट से दिखाया था। तो ये देखिए आप, किला काफ़ी शानदार बनाया है, काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया है। इसमें चूना पत्थर का यूज किया गया है। ये देखिए गाइस, ये है भूतिया कमरा, यहाँ पर भूत रहते हैं, ऐसा मैं मजाक में कह रहा हूँ, पर हाँ यहाँ पर कीड़े मकौड़े और बिच्छू विस्थापन ये सब जरूर रहती हैं। तो जब भी आए आप तो संभल कर पैर रखें, नहीं तो कोई भी आपको काट सकता है। यहाँ पर पहले बैल चला करते थे और ये कोल्हू है जो कि पूरा ख़त्म हो चुका है। तो गाइस ये रही अपनी तोप जो कि अष्ट धातु की बनी हुई है और ये बहुत ही पुराने ज़माने की है जो कि राजा महाराजा यूज किया करते थे। ये है इसका मेन गेट। इस फोर्ट में आने के लिए कोई टिकट नहीं गाइस, तो सबसे अच्छी बात ये है। ये है गाइस मेन फोर्ट बलदेवगढ़ का। पर जिस कुएं के पास गए थे उसके उसमें रोशनी के लिए ये देखिए ये इंतजाम किया गया है, चैम्बर किया गया है। बाकी आप देखिए, बाकी पूरा प्लान डला हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करवाते हैं। ये देखिए क्या VIP कमरा है। ये देखिए कितने सगरे जीने हैं यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए। भाई अपना देखो DSLR से, कुछ व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। काफी बड़ा किला है, इसे घूमने में काफी टाइम लगने वाला है। वो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर। बाकी कविराज देखिए अपने ये है, और यहाँ पर पूरी राजा जैसी फीलिंग आ रही है हमें। ये देखिए राजा जी जा रहे हैं और सैनिक अगल बगल खड़े हुए हैं मुस्तैदी के साथ। और ये देखिए गाइस,
ये देखिए गाइस आप, चलिए चलते हैं कुछ और ऊपर। ये हम एक और फ्लोर चढ़कर आ चुके हैं और ये देखिए गाइस, सॉरी थोड़ी क्वालिटी खराब मिलेगी आपको पर पूरा एक्सप्लोर करके देंगे आपको। पूरा प्रसंग यहीं पे कर देते हैं, बाकी हम लोगों के पसीने छूट चुके हैं स्पोर्ट पर चल। चलो चलें, चलिए गाइस चलते हैं। काफी ऊपर चढ़ गए थे तो पता नहीं चला, लेकिन उतर नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए गाइस, इसे एक्सप्लोर करने के लिए काफी सारा समय चाहिए। हम आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं, भले ही हमारे पसीने छूटे जा रहे हों। गाइस ये है किला आपका और मुझे आ रहे हैं अब चक्कर। काफी दौड़ भाग कर ली आजकल, पैर दर्द होने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं गेटों की नकाशी किस तरह से की गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से नकाशित किए गए हैं उस जमाने में। ये देखिए गाइस, आप इस किले की बनावट देख के समझ सकते हैं कि हमारे भारत भूमि में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई और इन्होंने ऐसे ऐसे किलों का निर्माण कराया। चलते हैं गाइस थोड़ा और ऊपर और दिखाते हैं आपको बेहतरीन। आप इन दीवारों का साइज देख सकते हैं कितनी मोटी है, मेरे हिसाब से 3-3.5 फुट की लगभग चौड़ी दीवारें हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत हो सकती है। आज के आर्किटेक्चर ऐसी दीवारें नहीं बना सकते। ये देखो गाइस, यहाँ पर अच्छे अच्छे की चढ़नों में हवा टाइट हो जाएगी, ये मेरा दावा है। और ये है नीचे जाने के लिए भाई लोग बोझ देने बिजी है, पर हम एक्सप्लोर करने बिजी हैं। इससे मेरा इंजन काफ़ी बुरी तरीके से बोझ पाया और इसका रिनोवेशन वर्क भी हुआ है बीच बीच में, जो कि आप छपाई देख सकते हैं इसकी। और ये है सैनिकों के लिए, अपने असले असले बाहर फायरिंग करने के लिए बनाए गए हैं। और ये हमारी तुम्हारी अपनी तारीफ हो गई कुछ और ऊपर। ये देखिए गाइस, ये देखिए व्यू, अभी हम गए थे उस पर, अब हम आ गए हैं इसके टॉप पर। Bye.
और देखो बेटा हमें तोप दिखा रहा है, वो देखिए वो रखी है जो हमने अभी आपको इसके बारे में बताया था, जानकारी दी थी। तो गाइस हम आ चुके हैं इस फोर्ट के टॉप पर और इस टॉप से देखिए आप कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ। ये देखिए इस फोर्ट की जो दीवारें हैं वो 3-3 फुट चौड़ी हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ फोर्ट है। ये देखिए भाई हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। ये देखिए गाइस ये कीड़े का जाल होता है, इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो कि ऐसा एक गड्ढा बनाता है, इसमें कोई अगर छोटा कीड़ा चला जाए तो वो ऊपर नहीं निकल पाता है और वो जो कीड़ा होता है वो उसे नीचे खींच लेता है। ऐसे कई सारे गड्ढे आप यहाँ पर बने दिख जाएंगे। तो गाइस करते हैं इस किले को अलविदा, आएंगे फिर कभी एंजॉय करने। और चलिए चलते हैं बाहर, ये है इसका मेन गेट और करते हैं एग्जिट। और ये स्नान घर है इतना बड़ा। और ये देखिए शिव जी की स्थापना है यहाँ पे। और ये हमारे सूर्य देवता। गाइस आपको दिखाते हैं हम स्नान घर, यहाँ पे दरवाजे ये पुराने ही लगे हुए हैं, बाकी यहाँ पर माता जी की फोटो है और कृष्ण भगवान की फोटो है जिन्हें हमारा प्रणाम। और ये अभी यहाँ पर कोई रहता होगा और ये हमारे ख्याल से ये स्नान घर हो सकता है, पर पूर्ण जानकारी नहीं हमें। और गाइस ये है मेरा राजाओं के ज़माने का स्नान घर, जो कि देखने में काफ़ी अचंभित कर देने वाला है। ये कुंड जो आप देख रहे हैं इसमें अगल बगल से चारों तरफ पानी भरा रहता होगा उस समय। और ये पूरा कुंड है ये बीच से जाने के लिए ये रास्ता आप देख रहे हैं, और ये अब काफ़ी पुराना हो चुका है और बंजर हो चुका है। बाकी नीचे भी आप देखिए, ये देखिए गाइस इस तरह यहाँ पर गंदगी फैलाई हुई है लोगों से हमारी अपील है कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर गंदगी ना फैलाएं, जिससे काफ़ी लोग आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकें। तो चलिए गाइस चलते हैं, अब आए किला घूमने तो इस टाइम पास से जरूर मिले, आपको पूरा किला घुमाएगा, पूरा एक्सप्लोर करवाएगा। और ये बहुत ही मौजी बंदा है, बस 20 रुपए देना है इसे जिससे बिस्कुट खा सके। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए गाइस यहाँ पर सीढ़ियाँ टूटी हुई है। गाइस बस यही सब ऐसे ही बंजर कमरे डले हुए हैं, खरपतवार उग चुकी है।